जनपद उन्नाव के बांगरमऊ स्थित पंचमुखी महादेव शिवलिंग बागेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से पूरी होती है समस्त मनोकामनाएं। जी हाँ, जनपद उन्नाव के बांगरमऊ की पश्चिमी छोर पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर बागेश्वर महादेव अपने पंचमुखी शिवलिंग के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर पर वैसे तो रोजाना श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगती है, पर सावन मास के सोमवार में यहाँ अपार भक्तों का तांता लग जाता है। श्री बागेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष व वरिष्ठ उद्यमी संजीव कुमार गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु इस समिति का गठन सन 2021 में किया गया था। तब से लेकर अब तक मंदिर की साज सज्जा व रख रखाव सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही साथ सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भंडारा आयोजित होता है जिसमें कई हजार भक्त उपस्थित होते हैं। समिति के उपाध्यक्ष अरुण कुमार रस्तोगी ने शिव मंदिर के इतिहास के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि ये शिव मंदिर लगभग 3 सदी पुराना। जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर के आसपास अंग्रेजों की सेना और शहीद ठाकुर जसा सिंह की सेना की टुकड़ियों के बीच युद्ध हुआ था। साथ ही यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना व दर्शन करने वाले शिव भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, बल्कि भोले बाबा अपने सच्चे भक्तों को किसी न किसी वेश में दर्शन जरूर देते हैं। समिति के मंत्री गिरीश कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भक्तों की सुरक्षा हेतु समिति द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए 1.5 यूनिट PAC बल मंदिर प्रांगण में 24 घंटे तैनात रहता है। इस अवसर पर समिति के कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता, संगीत कुमार, रामदीन, भुवनेश चंद्र, राजेश कुमार गुप्ता, कैलाश सिंह, जुगल किशोर गुप्ता व जगदीश नारायण श्रीवास्तव, सुनील आदि श्री बागेश्वर सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। देखिए शिव मंदिर की महिमा को दर्शाती हुई उन्नाव से हमारी खास रिपोर्ट।